यस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 2x2 रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको 3x3 रूबिक क्यूब सॉल्व करना आता है तो 2x2 रूबिक क्यूब बहुत इजी है। मैंने 3x3 का रूबिक क्यूब सॉल्व करने का तरीका बता रखा है, आप मेरे में चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज आप सीखते हैं 3x3 का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर येल्लो और ग्रीन, हमें एक ऐसा पैटर्न बनाना है येल्लो चारों अंदर एक पूरा येल्लो हो और उसके चारों साइड ग्रीन, अगर ये दो ग्रीन है तो ग्रीन ही रहे। तो अब यहाँ पर जो है एक येल्लो और रेड लगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, ठीक है। तो ये रेड और ये लग गया, अब बस मेरा एक येल्लो बचा है, उसे ढूंढिए। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें पूरा दिमाग ही लगाना होता है, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ओके, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। देखो ये गलत लग रहा है, इसलिए एक येल्लो जो सही था वही रहने दो और एक येल्लो जो है उसे ढूंढो भी। ऐसे लगाओ, ये उसे ऐसे, ये गलत बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, मैं ट्रिक्स ही नहीं करता इसे। बहुत लोग ट्रिक भी सिखाते हैं, बस मैं ट्रिक नहीं लगाऊंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा कि यहाँ पर कैसे फंसा दूँ। ओके, यहाँ फंस गया, ठीक है। अब ये बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे चार साइड हो गए हैं। अब इसमें आपको सही कॉर्नर्स पे कौन सा है वो लगाना है। जैसे अब मैं यहाँ पर वाइट ले जाता हूँ, ठीक है। ये वाइट और रेड, नहीं गलत लग रहा, वाइट और ब्लू, वाइट ब्लू और ऑरेंज, कौन सा हो सकता है, ये वाला, ये एकदम सही। अभी मतलब ये कॉर्नर सही है, ये भी कॉर्नर सही है, ये कॉर्नर गलत है। वाइट नहीं, मतलब ऊपर वाइट लगेगा, यहाँ पर भी वाइट ऊपर लगेगा, ये भी सही है, ग्रीन और रेड, और ये भी सही है। बाय चांस कभी कभी नहीं लगता तो कौन सा वाला पैटर्न लगाते हैं, यू, ठीक है, यू आर का ऊपर, फिर लेफ्ट का इस तरफ, जो मैंने पैटर्न दिखा रखा आप देख के सीख सकते हैं। चलो मेरी चांस अच्छी है, तो इसमें अब मुझे बस वाइट ऊपर करना है, तो ऐसे करूँगा मैं, ठीक है, वाइट ऊपर हो गया, लेफ्ट साइड में लेके, ठीक है, वाइट आ गया। यहाँ पर भी अब वाइट लाना, ठीक है, यहाँ पर भी वाइट लाना, ठीक है। देखना अब मैं रोटेट करूँगा और आप जीत जाएंगे। अगर इस वीडियो में कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसे 2x2 को और अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करें। अगर आपको 2x2 सीखना है तो 3x3 सीख लीजिए।